ननंद ने भाभी पर लगाए संगीन आरोप। बैराड के भाजपा पार्षद के बहकावे में भाभी हमें झूठे केस में फंसाना चाहती हैं। जांच की मांग। खबर शिवपुरी जिले के एसपी ऑफिस से है, जहां दो दिन पूर्व एक महिला ने अपने ही पति और ससुरालियों पर बच्चों के अपहरण का आरोप लगाकर पति और ससुरालियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की थी। आज इसी मामले को लेकर दूसरे पक्ष ने एसपी ऑफिस में आवेदन देकर मामले की निष्पक्ष जांच किए जाने की मांग की है। जानकारी के कहां से आई हो आप? एसपी ऑफिस में आई हो, क्या समस्या लेके आई हो? मेरी भाभी मेरे भैया पर झूठे झूठे आरोप लगा रही है। 6 महीने से हमें जीजा के साथ रह रही है और ये पूरन पार्षद है बैराड़ का, राठौरों से संपर्क में है। काफी टाइम से इसने उस पर चौहान का मुकदमा भी कराया, अभी भी उसके साथ रह रही है, राजीनामा कर लिया। और मेरे भाई के झूठे अपहरण का केस लगा रही थी, परसों मेरा नाम भी ले रही है, जबकि मैं तो मेरे घर से 10 साल से यहाँ बाहर रह रही हूँ। और ये अलग वो इसने एक बेचती है टीला रोड पर रह के अपने जीजा के साथ, दारू भी बेचती है और इल्जाम मेरे पे लगा रही थी। मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है, ना मैं भाभी से कोई मतलब रखती। अब आप क्या चाहती हो? घर वालों को परेशान कर रही है, मेरे को मेरा भैया बोलना नहीं जानता, इसकी गर्दन कटवा दी, इसका एक हाथ काम नहीं करता, इसके एक हाथ से दिखता नहीं है और हमसे पैसे मांगती है। 20,000 रुपये मुझसे ले जा चुकी, इसके जीजा के साथ रहती है, अवैध तरीके से धंधे कर रही है। क्या नाम है भाभी? भाभी का नाम है भारती प्रजापति, नरवर मगरौनी के पास गाँव ग्वालियर वहाँ की रहने वाली है। और बहुत ज़्यादा मेरे छोटे भाई को फंसाना चाह रही है, बोल रही है मैं पूरा मकान मेरे नाम कराऊंगी, हमारी सरकारी वो है कुटी, उसमें रहते हैं मेरे मैयो आप, तो मैं तो घर पर रहती नहीं, मुझे फंसा रही है। कब से परेशान कर रही हो आप? जी भाभी हमको जनवरी के महीने से परेशान कर रही है, भैया को साथ में ले गई थी उसके मायके, पूरा सामान भर ले गई, इसको बांध के डाल दिया था, इसको बंद करवा दिया, हम इसको ले आए, उसके बाद भी हमारा कोई मैटर नहीं था, हमने साथ जी रही है जी, भैया बच्चों को लेने गया स्कूल खुल गए, फीस जा रही है हमारी, तो भैया का झूठा केस लगा रही है अपहरण का, मेरे छोटे भाई का नाम ले रही है जीतू का, वो इनसे मतलब नहीं रखता, बिल्कुल अलग रहता, और जी अभी पूरा राठौर की बातों में आके सब कुछ कर रही है, उसकी 24 घंटे बात होती है, भरोसा नहीं है तो उसकी कॉल डिटेल निकलवा लो, बल्कि पूरा राठौर से आए दिन मिलने आती है शिवपुरी में और पूरा राठौर इससे मिलता है। आप क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, झूठा फंसा रही है। किस किस पे कार्रवाई चाहती हूँ? की जाए पूरन राठौर, इसका जीजा राजीव प्रजापति और भारती प्रजापति, ये तीनों हमको जीने नहीं दे रहा है। अगर मेरा भैया मरता है या किसी के साथ कुछ होता है तो इसके जवाबदार ये तीनों है, पूरन राठौर, भारती प्रजापति, इसका जीजा राजीव प्रजापति, पूरन हमको